जीवाणु जैसा वहाँ पे रहते हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूर्ण ये कभी देश में कुछ किए नहीं जनता के लिए, केवल नेता है। झूठ बोलने में महारत इनको है, पीएचडी इनको है। विकास कैसे होता है? हमारे महानगर मंत्री भाजपा जी के, इन्होंने कहा विकास की गंगा बह रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मस्जिद, लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर, नीला कलर, इनका ये विकास का मंत्र है। ईवीएम बोला है, ये जनता नहीं बोल रही है, इनका ईवीएम बोला है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक राज्य है शासित, रैलियां कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे बस लगा के बेल जुटाने की कोशिश कर, कोई जनता इनके साथ नहीं है। पांच कपड़ों में आते हैं, आप कॉरिडोर आए हैं, बाबा के धाम आए, पांच करोड़ों का फैशन शो में नहीं आए। भैया बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, मैं बीएड धारक हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। दिखाने रहा है, आज व्यापारी एकदम खुश है। दम हो, 7 साल में, 7 साल में आपने किसी को जेल भेजा? कितने परसेंट अत्याचार हुए हैं अगर ये बता दो। जी के नेतृत्व में मैंने 50 लोगों को अनुसूचित मोर्चे से जोड़ने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं प्रभात, और अभी आज हम पहुंचे हुए हैं कमच्छा, बनारस में कमच्छा चौराहा है, और यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि सरदार जी की एक दुकान है यहां पर कचौड़ी की, और यहीं पर पहुंचे हुए हैं हम। यहां से जो सरदार जी हैं उनसे बात करेंगे, और जो यहाँ पर और लोग हैं उनसे बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ हमारे साथ बात करने के लिए हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के बात करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ यहाँ पर माहौल है उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के। चुनाव का माहौल, अब सभी बड़े नेता क्षेत्र में उतर गए हैं, तो अब माहौल गर्म हो रहा है, धीरे धीरे माहौल बनता जा रहा है, मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, और जो मूल मुद्दे हैं उनको ये सत्ता पछाड़ना चाहती है। लेकिन जनता ये मानती है कि मूल मुद्दों पर ही चुनाव होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बेबसी, लोगों का व्यापार ठप है, उस पर ही चुनाव होगा। किसानों के मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि किसानों की जो बात कह रहे हैं, किसान भी उपभोक्ता है अन्न का, उत्पादक है अन्न का। जब एक फैक्ट्री वाला सीमेंट की बोरी बनाता है, उसकी लागत अगर 150 रुपये आती है, तो अपने हिसाब से 200, 250, 300 उसका रेट रखता है। तो अनाज का मूल्य क्यों नहीं किसान तय करे? क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की है इस सरकार ने, जिसने 2014 और 2017 के घोषणा पत्रों में ये जिक्र किया था कि हम इस C2+50% के फार्मूले को लागू करेंगे। आज 5 साल लगभग पूरे होने को हैं यूपी गवर्नमेंट के, और केंद्र सरकार के लगभग 7 साल, क्यों नहीं इन मुद्दों पे बात कर रही है सरकार? क्यों सरकार बेमतलब के मुद्दे, लाल रंग, काला रंग, जाति भेद, रंग भेद पे बात कर रही है? आप पर आएंगे उसके पहले पूछते हैं कि यहाँ पर कुछ भाजपा के समर्थक भी हैं, आप भाजपा के समर्थक? हाँ, भारतीय जनता पार्टी महानगर मंत्री किशन कनौजिया जी, क्या कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जिस तरीके से मुद्दे जो है विकास के होने चाहिए, और यहाँ लाल टोपी, काली टोपी, इस पे बात चल रही है। 70 साल तो कांग्रेस ने राज किया, 70 साल में कोई विकास कार्य कभी नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी, योगी जी का सरकार में पूरे देश में काम हो रहा है, और काम का गंगा बह रही है। कभी कोई सोचा नहीं था कि पुलों का निर्माण, रोडों का निर्माण, और उसके बाद जनहित का काम, विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए कि आज विश्वनाथ कॉरिडोर कई 100 साल से ही टकरा रहा था, इधर उधर लोग बना नहीं पा रहे थे। फिर भाजपा विकास के मुद्दों को ध्यान में रख करके ना कि चुनाव लड़ती है, बल्कि वो तो बात करती है मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, काली टोपी, कब्रिस्तान, शमशान, ये सब क्या है? भारतीय जनता पार्टी विकास की ही तरफ बात कर रही है, विकास भी कर रहा है पूरे देश में, बनारस में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में विकास का धारा बह रहा है। ये कभी कोई सोचा नहीं था कि इतना बड़ा काम हो जाएगा। आज देख लीजिए, बड़े बड़े पुल देख लीजिए, रामनगर 15 साल से लटका था, अधूरा करके छोड़ दिए थे। मड़ुआडीह पुल देख लीजिए, आज 15 साल से छूटा हुआ था, मोदी योगी जी आए कि कम से कम उसको करके दिखाएं, नहीं कभी कोई किया नहीं था। ये कांग्रेस के लोग का दोहरा चरित्र है, ये कभी देश में कुछ किए नहीं जनता के लिए, केवल जो है इनको अपना दिखाई देता था, अपना धन लूटने का काम करते थे। विपक्ष में समाजवादी पार्टी के भी आप लगाए हुए हैं, आप क्या कर? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले महंगाई आसमान पे थी और अब चांद पे चली गई। और दूसरी बात ये कि देश प्रदेश के गरीब जनता का खून चूस के ये लोग कॉरिडोर के नाम को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बनारस की जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बनारस की जनता का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और गरीबी के नाम पर ये लोग जो सरकार एकदम विफल है, और हमारी पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। हम लोग सिर्फ गरीबी और जनता के विकास के हित की बात करते हैं, और हम लोग जुमलेबाजी वाली कोई बात नहीं। ये लोगों ने कहा कि एक मारोगे हम पांच मारेंगे, देश के 44 जवानों को जिंदा उड़ा दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये बोले हम काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए देश के गरीब जनता को बांटेंगे, जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया, जीरो बैलेंस के नाम पे गरीबों का पैसा इन लोगों ने ठगा, और कोई किसी खाते में पैसा नहीं आया। ठीक है त्रिपाठी जी, लीजिए बढ़ाते हैं। तो आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गरीबी और इन सब ये सब मुद्दे हैं, लेकिन आपके लिए तो ये इस तरीके से बांटने का एक दौर चला है, हिंदू मुस्लिम और इस तरीके बात कर दिया और वोट बैंक बना। जनता कभी सोची नहीं थी आज गरीबों को पूरे देश में, आज गरीबों को नरेंद्र जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को आवास, शौचालय, जितने भी शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, सब समाजवादी पार्टी की देन है। अभी कभी कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग ये झूठ बोलते हैं। आज जितना विकास हो रहा है ये सरासर झूठ है, आप जाके देख लीजिए। त्रिपाठी जी से पूछता हूं, देखिए ऐसा है कि ये झूठ बोलने की बात कर रहे हैं भैया। वर्ल्ड का टॉप का अवार्ड अगर गिनीज बुक में सबसे बड़े झूठे का नाम लिया जाएगा तो इनका नेता है। झूठ बोलने में महारत इनको है, PhD इनको है। इन्होंने झूठ बोला सबसे बड़ा झूठ का 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ। अरे भैया 70 साल में जो आपके नेता बेच रहे हैं ना, वो उन्हीं 70 सालों में बना हुआ है। आपने एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक फैक्ट्री लगाई हो, एक भी कोई बड़ा डैम बनाया हो, आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हो जो आप कह दें मोदी जी कि हमने ये बनाया, हमको इसके नाम पे वोट करो। मैं आपको बताऊं, ये काशी के जनता के साथ इतना बड़ा छल इन लोगों ने किया कि 2013 में जो एम्स 2500 बेड का बनारस के लिए स्वीकृत हुआ था, इन लोगों ने बनारस से उठा के गोरखपुर भेज दिया। गोरखपुर में 4 बड़े हॉस्पिटल हैं जहां की OPD में 500 लोग नहीं आते, वहां तुमने एम्स उठा के पटक दिया। और यहां 15 लाख OPD का रिकॉर्ड है BHU में। यहां 4 प्रदेश के लोग, UP का पूर्वांचल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 प्रदेश के लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। यहाँ ऑक्सीजन से लोगों की मौत हुई, और ये निकम्मे, ये बेहूदे लोग झूठ बोलते हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। शर्म नहीं आती इनको? इस पर जवाब लेते हैं, उससे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, इस तरीके से डाटा को झुठला दिया जाता है, डाटा बोल करके कि नहीं हुई है। देखिए डाटा और मीडिया, इनकी सरकार की एक षड्यंत्र के हिसाब से इनको खरीद लिया गया है। हर ऑक्सीजन बनारस में इतनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी से, इनकी कोई गिनती नहीं। लाशों को गंगा किनारे खोद के दबा दिया जाता है, इनका कोई गिनती नहीं। इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं वो लाशें नहीं, वो हिंदू धर्म का एक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा मूल विकास कैसे होता है, हमारे महानगर मंत्री भाजपा जी के, इन्होंने कहा विकास की गंगा बह रही है, इतनी गंगा बह रही है कि हम युवा नाव से चल रहे हैं। मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो 4 करोड़ नौकरी खाएं और दिए एक भी नहीं। मोदी जी ने वादा था दो करोड़ हर साल देने का, ये नहीं दे पाए नौकरी। अब इनसे ये पूछा जाए विकास का मूल मंत्र क्या है, विकास का मूल मंत्र इनका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मस्जिद, लाल कलर, हरा कलर, पीला कलर, नीला कलर, इनका ये विकास का मंत्र है। विकास का मंत्र ये नहीं जानते विकास कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है। इनके सरकार में हम युवाओं को शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, कितनी महंगाई की जा रही है, इनसे पूछिए। कोरोना में ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, किसानों के मौतों का आंकड़ा नहीं, तमाम तरीके के जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी मजदूर थे वो जा रहे थे तो उनके संबंध में मौतों का आंकड़ा नहीं, इस तरीके की आपकी सरकार जो है वो इस तरीके की बात कहती है, क्या कहते हैं संवेदनशील विषयों में? नहीं, हम लोग तो तमाम प्रवासी मजदूरों का पूरा हम लोग व्यवस्था दिया गया, उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, यहाँ तक कि पैर में चप्पल नहीं था। बाकी दल के लोग गायब हो गए थे। आज लोग राजनीति की बात करते हैं, चुनाव का बात कर रहे हैं। उनका भोजन का व्यवस्था किया गया, गाड़ी का व्यवस्था किया गया। कांग्रेस के लोग झूठा बसों का इकट्ठा करके दिखाया गया कि ये बस हम व्यवस्था कर रहे हैं। इतना व्यवस्था कभी नहीं हुआ था। व्यवस्थाएं की गई वही बता दीजिए। कोरोना काल में हम लोग गरीबों के यहाँ भोजन पहुँचाया गया, इलाज कराया गया, दवाई, सिलेंडर, तमाम चीज अपना पहुँचाया गया। ये कांग्रेस के लोग, प्रियंका गांधी ने जब 400 बसें भेजी प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अपने खर्चे पे, कांग्रेस पार्टी के खर्चे पे, इनकी नक्कारी सरकार ने उन बसों को वापस लौटाया है।
जिससे उन मजदूरों को 3 दिन तक वहां जाम लगा रहा, दिल्ली से लोग निकलने को तरसते रहे, लेकिन इनकी नक्कारी सरकार ने एंट्री बैन कर दी। यूपी में बसें खड़ी रह गई। मैं ये कहता हूं, क्या सुविधा दिया? सुविधा तो आम जनता ने दिया है, लोगों ने चंदा दिया, पीएम केयर फंड। पहली बार सोचिए, लूट का इतना बड़ा धंधा कि प्रधानमंत्री का एक कोष होता ही है, जबरदस्ती एक तो पीएम केयर फंड बनाया गया, पूरे देश से उसमें चंदा लिया गया, और ये सरकार चोरों की सरकार जो है वो कहती है कि उसका ऑडिट नहीं होगा, उसका हिसाब किताब हम नहीं देंगे, उसके बारे में आप पूछिए नहीं। देश की जनता का वो पैसा है, क्यों नहीं हिसाब किताब होगा? क्यों नहीं जवाब दोगे? आते हैं, एक नारा और दिया है मोदी जी ने, यूपी प्लस योगी उपयोगी। क्या कहेंगे, कैसे उपयोगी हैं योगी जी? योगी जी की तस्वीरें भी गायब हो जा रही हैं पोस्टर से। योगी जी ने तो प्रदेश को प्रदेश बना दिया, कभी कोई सोचा नहीं था कि ये इतना काम होगा। आज योगी जी के वजह से पूरा प्रदेश अच्छा काम चल रहा है, और योगी जी 2/3 बहुमत से पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आज इसको कोई रोक नहीं पाएगा, मोदी योगी जी पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा। ईवीएम बोला है, ये जनता नहीं बोल रही है, इनका ईवीएम बोला है कि हम 2+ बहुमत से आएंगे। कैसे आएंगे? SI का पेपर लीक होता है, TET का पेपर लीक होता है, तो युवाओं से नहीं बोलते, सारे लीक में भाजपा ही शामिल होते हैं। बिहार के मंत्री और विधायक का रिश्तेदार पकड़ाता है पेपर लीक में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। जब जवाब मांगा जाता है युवा, तो कहते हैं हम रोजगार देंगे। रोजगार क्या देंगे? कहेंगे आप पकौड़े तलो, या फिर क्या कहेंगे? फिर मनरेगा में वैकेंसी है। ये सचिवालय जो ग्राम सचिवालय बना, इस पर कंप्यूटर ऑपरेटरों का भर्ती करें, जिसकी बताए मजदूरी मनरेगा से भी कम है, जो भारत की राष्ट्रीय आय थी मजदूरों की, उससे भी कम इनकी मजदूरी है। बताइए कि युवाओं को क्या करें? शिक्षित दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, ये किस हद तक ले जा रहे हैं? इनके राज में 54% भ्रष्टाचार बढ़ा। इनके राज में दलितों का शोषण हर 15 मिनट में एक होता है, जो पहले ये आंकड़ा नहीं थी 2014 के पहले, ये आंकड़ा नहीं थी 2014 के पहले, ये आंकड़ा 10 पॉइंट कुछ था। मात्र 6-7 सालों में ये तुरंत क्रॉस कर गए, जस्ट डबल कर गए। हर 15 मिनट में पूरे भारत में हर 15 मिनट में दलितों का एक शोषण होता है। ये क्या है? इनके सबसे ज़्यादा शासित राज्यों में है भाजपा में, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी इनके सबसे ज्यादा सर्वाधिक राज्य हैं शासित में। अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? कह रहे हैं अनुपयोगी हैं योगी जी। आप लोग वो उपयोगी बता रहे हैं, आप लोग अनुपयोगी बता रहे हैं। आप लोग पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल घूम रहे हैं, और पूरे प्रदेश की जनता ये अखिलेश यादव की रैली से समझ में आ रहा है कि बदलाव की लहर चल रही है, और इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण सरकार बहुमत से आ रही है, और ये लोग आप लोग भी अच्छी तरह से जान रहे हैं। ये 2-2 बजे रात को रैली करते हैं तो लाख रुपए भीड़ हो रही है, और ये लोग दिन में रैलियां कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे बस लगा के भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जनता इनके साथ नहीं है। और लोग हैं, जनता भी है, आप भी क्या कहेंगे? क्या कौन आ रहा है, क्यों आएगा, क्या मुद्दे हैं? हम राजनीति पे कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस हमारा यही है एक अनुभव कि शिक्षा और सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, शिक्षा पे जोर देनी चाहिए, और धर्म की राजनीति से देश कमजोर होता जा रहा है, देश कमजोर होता जा रहा है धर्म की राजनीति से। जो मुद्दे निकल करके आ रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार और इन सब विषयों पे बात होनी चाहिए, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार इन सब चीजों पर भाजपा विफल रही है, ऐसा आरोप आपके ऊपर? ऐसा है कि आप जाके उत्तर प्रदेश में अभी जो विद्यालय है आप जाके देख लीजिए, 2017 के पहले एक भी विद्यालय अच्छे नहीं थे, बड़के लड़के तब चार्ट पे बैठते थे, मैं खुद टीचर हूँ, आज बच्चे टाइल्स में, और उसकी बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कायाकल्प हुआ है, और शिक्षा की बात कर रहे हैं, जितनी वैकेंसियाँ भरी गई हैं, क्या है पूरे उत्तर प्रदेश का, कैसे कोई आंकड़ा है आपके पास? हम भी देख के आए हैं कई स्कूलों में, आप बनारस में घूमिए तो, स्कूलों की व्यवस्था अभी भी एकदम लचर है। जैसे आप किधर घूम के आए हैं? हम आए हैं अपने बस्ती साइड में आए हैं, पूर्वांचल में आए, कई जगहों के स्कूलों में देखे। नहीं, अभी हम जो बता रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी तक पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल की कायाकल्प बदली गई है, स्मार्ट स्कूल क्लासेस, बच्चे प्रोजेक्टर लगा के बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, दिल्ली का जो मॉडल केजरीवाल बताते हैं ना, उससे अच्छा मॉडल यहाँ चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोगों के मॉडल की चर्चा क्यों नहीं है बाहर? इन सब चीज़ों पर चर्चा नहीं है? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इन सब चीज़ों पर चर्चा क्यों हो रही है? कब्रिस्तान, शमशान पर क्यों चर्चा हो रही है? देखिए, मंदिर की बात मत करिए, जो मोदी जी ने कायाकल्प कर दिया वो महादेव की कृपा से हो गई,
वो कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ जी के धाम को जिस तरह से क्राउडरो बना के एक रूप दिया है, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये समझ लीजिए कि बाबा की ही कृपा थी और ऐसा महापुरुष सदियों पैदा हो। लेकिन मोदी जी का इतना गुणगान क्यों, काशी विश्वनाथ का क्यों नहीं? कैमरे मोदी जी के पीछे लग रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाने के लिए। देखिए, ये बाबा की कृपा है, ये हमें आपके बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद महादेव की कृपा से बने हैं और महादेव ही खुद उसको बनवाए हैं। मोदी जी खुद कहते हैं ये महादेव की कृपा से हुआ है। और ऐसा बनारस के लोगों से पूछिए, शायद कभी कोई सोचा नहीं था कि इस तरीके से कायाकल्प दिखाई देगा आपको। मोदी जी जब बनारस में कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए थे, कॉरिडोर उद्घाटन नहीं था, ये भाजपा का एक पर्सनल कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम इसलिए था, वो पांच कपड़ों में आते हैं। आप कॉरिडोर आए हैं, बाबा के धाम आए, 5 करोड़ का फैशन शो में नहीं आए हैं। आप 5 कपड़ों में क्यों आए? 12% GST देते हैं हम, 12% GST देते हैं कपड़ों पे, है कोई बताए इनको? अभी कपड़े क्यों चेंज करते हैं इतना सारा मोदी जी? ये इससे बवाल, कपड़े क्या, कपड़े चेंज नहीं करने, क्या नंगे रहेंगे क्या, भोलेनाथ बन जाएंगे क्या? हाँ, ये आप एक साधारण व्यक्ति हैं। आप एक साधारण व्यक्ति हैं। आप दिन भर में 2 कपड़े बदलते होंगे सुबह शाम। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। एक वही तो उनका शौक है। और एक चीज जान जाइए आप, देखिए भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं, मैं अनुसूचित जाति मोर्चा के हैं, जो भी है सत्ता के पक्षधर। इन्होंने जो बात कही, 2 बातें कही, एक तो मंदिर वाला उस पर बाद में आते हैं, मूल मुद्दे पे पहले आ जाते हैं। जो शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय 8 बंद हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार में, 8,000 क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्राइमरी में पढ़ के आया हूं, आज से कुछ सालों पहले तक प्राथमिक विद्यालयों में 5 से 10 टीचर हुआ करते थे। आज क्या स्थिति है? किसी भी प्राथमिक विद्यालय में आप चलिए, औचक निरीक्षण कर लीजिए, 1 प्रधानाध्यापक होगा, 1 अनुदेशक होगा, 1 शिक्षा मित्र होगी, 1 आशा होगी। आपको जानकारी नहीं, आप पूर्णकालिक टीचर जो है 70 साल में देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश को लूटने का काम किया है, देश को बेच दिया, देश की गरिमा खत्म कर दी है कांग्रेस ने। पूरे पूर्वांचल में कांग्रेस की कई हवा डबा दिखाई दे रही है आपको, कहीं सुनाई दे रहा है। इनकी बात पूरी हो जाए तो कांग्रेस ने जो नहीं किया था वो भाजपा ने कर दिखाया है, हो रहा है। कौन? देश बहुत गति की तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देश बहुत गति की तरह आगे बढ़ रहा है। आज के समय में हर हिंदुस्तानी को गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस ने भारतीय होने का जनता से पूछ लेते हैं, अपराध कितना कम हुआ है? अपराध कम हुआ है योगी राज में? अपराध तो बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। कितना हद तक कम हुआ गया है पहले? बहुत ज्यादा पहले से। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, मैं बीएड धारक हूँ, कोई सुनवाई नहीं है, टीटी इस बार आधा एग्जाम करा के बंद कर दिया गया। अपराध पे क्या कहेंगे? अपराध पे भैया ऐसी सरकार फिर कभी आएगी नहीं पूरे जीवन में। अपराध तो बहुत कम हुआ है, हम लोग अपराध तो काफी कम हुआ है, अपराध एकदम खत्म हो गया सर, एकदम नहीं है। आप क्या कहेंगे? सही काम हो रहा है, मोदी जी सही काम कर रहे हैं, और क्या? अपराध कम हुआ है? बहुत कम हुआ है, एकाक इसी तरह रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो गया। योगी सुनिए, जिस तरीके से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक विकास मॉडल दिया है, आज पूरा देश एक समझ लीजिए कि बनारस को, जिस तरीके बनारस की चर्चा हमेशा होती है, बनारस देखिए एक अलग मस्त। अपराध के बारे में बताइए, अपराध आप भी कह रहे हैं कम हुआ है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को दिखाने दे रहा है। आज व्यापारी एकदम खुश है, एकदम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, अब देख लीजिए आप खुद पता करिए। लेकिन एक सवाल उठता है हमेशा भाजपा के ऊपर, सवाल उठता रहेगा, क्योंकि अभी जो अजय मिश्रा टेनी है वो खुद गाली गलौज कर रहे हैं एबीपी के पत्रकार को, और तमाम तरीके से जो है निकल करके सामने आ रही कि जो क्रिमिनल है, जो वो है वो पार्टी में शामिल है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? इस पे जो है हमारे नेतृत्व, वो उस पे बात करेंगे, उस पे लिए हम नहीं बता सकते क्या कर रहे हैं वो। तो गृह राज्य मंत्री अपराधी क्यों नहीं हो सकता? इस देश का गृह मंत्री तड़ी पार हो सकता है,
जब आप देखिए ऐसा शिक्षा के मुद्दे पे ये हौरा करने लगे हैं। नहीं, अपराध पे बात कीजिए। नहीं, पहले मैं शिक्षा की बात करूंगा, अपराध की बात फिर करता हूँ। शिक्षा में भैया ऐसा है कि मैं प्राइमरी में पढ़ता था, 8-9 टीचर हर प्राइमरी विद्यालय में होते थे। आज की स्थिति ये है कि आधे टूटे लंगड़े टाइप की शिक्षा व्यवस्था हो गई। एक तो प्रिंसिपल होगा सरकारी पूर्णकालिक, उसके बाद एक तो अनुदेशक होगा अंशकालिक, एक तो शिक्षा मित्र होगा, एक तो आंगनबाड़ी होगी। यही लोगों के भरोसे हमारे गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, आप ये गलत बात, आपको जानकारी नहीं है, मैं रोज गांव घूम, आप भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। अरे सुनिए, 70 साल तक जो कांग्रेस ने बनाया, इनके यशस्वी जो कह रहे हैं छद्म यशस्वी प्रधानमंत्री, वही बेच रहे हैं। एक दूसरी चीज, भ्रष्टाचार में टॉप पे हैं। जो बाहर काला धन जाने की बात कर रहे हैं, 40% ब्लैक मनी स्विस बैंक में बढ़ गया है, ये इंटरनेशनल एजेंसी का डेटा है। अब बात कर ले। अरे दम हो, 7 साल में आपने किसी को जेल भेजा? 7 साल में आपने किसी को जेल भेजा? क्या है? नहीं, अपराध की बात अब बता। अपराध की बात यह है कि अपराधी इनके विधायक और मंत्री बन गए हैं। जो बाकी अपराधी हैं उनको जेल में करेंगे, लेकिन जाति विशेष का अपराधी इनका यार है वो बगल में खड़ा होगा। अपराध पर फैसला आप भी कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व लेगा, अपराध पे ही खत्म करते हैं। और दूसरी चीज, अब जो हम पूछ लेते हैं आपसे कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, आप कह रहे हैं कितनी सीटें भाजपा को देंगे? भाजपा 300+ जाएगी, लेकिन आंकड़े दिखा रहे हैं कि भाजपा की कड़ी टक्कर अखिलेश यादव से, तो फिर कैसे दो दिया? हम लोग पूरा मानते हैं कि टक्कर जो भी है अखिलेश यादव, कांग्रेस तो 0 पे है, वो तो कहीं है ही नहीं, वो मार्केट में ही नहीं है, वो सब कंप्यूटर पे बस लैपटॉप बैठ के सरम। कितनी सीटें देंगे भाजपा और भारतीय जनता पार्टी? 300+ जा रही है, बस इतना जानिए, 300+ जा रही भारतीय जनता। अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव फाइट में है, अच्छे आदमी है, अखिलेश जी के जो लोग साथ के हैं वो व्यक्तिगत कुछ अच्छा काम नहीं करते। कितनी सीटें देंगे? 50 से 60 सीट पाएगी उत्तर प्रदेश में। जी आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव इस बार युवाओं के आवाज बन के उबड़ेंगे, और पूरे यूपी के युवा कितनी सीटें दे देंगे अखिलेश? 350+ आएंगे, यूपी में आएंगे। भाजपा को इस बार युवा झोला थमाएंगे, कांग्रेस झोला थमाएंगे, कांग्रेस भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी। आप क्या कहेंगे भाई? जैसे देखो, ये लोग तो जो भी अपने मुंह से कहना है कौन विकल्प में है, ऐसा है कि ये जनता महंगाई, बेरोजगारी और बेपसी पे देगी। जितना भाजपा कितनी सीटें पा जाएगी? 100 से नीचे। आप क्या कहेंगे? और जनता विकल्प बदल रही है, जनता तो बदलाव की लहर है। कितनी सीटें? किसानों के मुद्दे पे वोट करेगी, भ्रष्टाचारियों और झोला छाप वालों को बाहर कर देगी। ठीक है, बहुत बड़ी बहस हुई है यहाँ पर, और अब तक ये निष्कर्ष निकला कि सब अपने अपने जो पार्टी है उसका बचाव कर रहे हैं, अपने तरीके से बातें रख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जो मुद्दा है। हाँ, इन्होंने बोला कि कांग्रेस 100 सीट पाएगी ना, एक हटा दीजिए, डबल 0 पाएंगे। कांग्रेस की बात ये कर रहे हैं, अपनी बात तो ऐसा, 100 के अंदर भाजपा आएगी। कहीं मानव है नहीं, मानव पत्रकार महोदय, आप अशोक सोन भैया एक मिनट, मानव पत्रकार महोदय, आप भाजपा के अनुसूचित जाति के प्रदेश महामंत्री हैं, इनसे ये डेटा पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित के ऊपर कितने % अत्याचार हुए हैं। अगर ये बताते हैं तो मैं भाजपा अभी ज्वाइन करता हूँ। मैं खाले ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई भारतीय केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित मोर्चे को सम्मान देने का काम किया है, और ये देश के प्रधानमंत्री ज्वाइन कर रहे हैं बढ़ चढ़ के अनुसूचित, मैं खुद ज्वाइन कर आया हूँ, इनके जैसे लोगों की जरूरत नहीं मुझे। आप आंकड़े नहीं बताएंगे, आप 50 लोगों को बहुजन से, कांग्रेस से मैंने खुद जोड़ा है। हमारे संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल भाई साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रामचंद्र कनौजिया जी के नेतृत्व में मैंने 50 लोगों को अनुसूचित मोर्चे से जोड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कराया। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं, और आप देखते रहिए फोरम पर, इसी तरीके से फिर नए रिपोर्ट के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, कमच्छा बनारस से। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें।
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।